सर्दियां आते ही राजधानी दिल्ली सहित उत्तरी भारत में कोहरे और धुंध का प्रकोप बढ़ जाता है। खासकर दिसंबर और जनवरी के महीनों में दृश्यता में कमी के चलते पूरे क्षेत्र में कई बार जान माल के गंभीर नुकसान उठाने पड़ते हैं, साथ ही स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। पूर्व अध्ययनों के मुताबिक इस समस्या के लिए 2.5 पार्टिकुलेट मैटर को वजह माना जाता रहा है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में कोहरे और धुंध को बनाने वाले नए कारकों को और स्पष्ट कर दृश्यता में कमी में उनकी भूमिका को उजागर किया गया है। ताज़ा अध्ययन के मुताबिक हवा में मौजूद 2.5 पीएम कणों में उच्च क्लोराइड कण धुंध को घना कर दृश्यता को लगभग खत्म कर देते हैं। हमारा ताज़ा अध्ययन जो नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर छाने वाले कोहरे और धुंध के गठन में 2.5 और 2.5 माइक्रोमीटर से कम आकार के पर्टिकुलेट मैटर की सटीक भूमिका के रहस्यों को उजागर करता है। ये पर्टिकुलेट मैटर वास्तव में उच्च क्लोराइड वाले हैं, जो अन्य वैश्विक प्रदूषित शहरों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी हैं। ये दिल्ली के वातावरण की खासियत है। अध्ययन के लिए दिल्ली में पीएम 2.5 कणों की रासायनिक संरचना और अन्य गुणों के साथ आर्द्रता और तापमान को एक महीने तक मापा गया और पाया गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं, जो कि कुछ औद्योगिक गतिविधियों और सीधे प्लास्टिक या प्लास्टिक युक्त अपशिष्ट जलाने से वातावरण में उत्सर्जित होती हैं, उच्च पीएम 2.5 क्लोराइड के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं कणों के चलते ठंडक में इन क्षेत्रों में घना कोहरा छा जाता है। ये अपनी तरह का पहला निष्कर्ष है जो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर की भूमिका को स्पष्ट करता है। ये अध्ययन नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता और दृश्यता में सुधार के लिए बेहतर नीतियों को तैयार करने में मदद करेगा। हमने पाया है कि कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में जलाए जाने वाले प्लास्टिक सामग्री अपशिष्ट वास्तव में वायुमंडल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाते हैं, जो वहां मौजूद अतिरिक्त अमोनियम के साथ मिलकर उच्च क्लोराइड कणों की सांद्रता को बढ़ा देता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सभी क्लोराइड कणों का सह संघनन कर कई गुना अधिक पानी जमा करने की क्षमता को बढ़ाता है। सर्द सर्दियों की रात में जब दिल्ली में उच्च आर्द्रता फैलती है, तो ये कण वास्तव में बहुत अधिक फैल जाते हैं और दृश्यता में कमी का कारण बनते हैं। अगर हम वायुमंडल में इस HCL उत्सर्जन को कम कर सकें, तो दिल्ली के इस जटिल रसायन वातावरण के बावजूद दृश्यता में 50% तक सुधार ला सकते हैं। IIT मद्रास के नेतृत्व में जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूके के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया ये अध्ययन हाल ही में शोध पत्रिका नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों के इस प्रयास से भविष्य में कोहरे के दौरान दृश्यता की कमी की समस्या से निजात पाने की संभावना जागी है।